जय माँ चूंकि ये दुर्गा पूजा का दस दिन का उत्सव चल रहा है तो दो कहानियाँ एक दुर्गा जी की और एक नवरात्रि के विषय में दुर्गा जी की कहानी से हम सब परिचित हैं भारतवर्ष में प्राय थोड़ा बहुत जो उसकी बिगनिंग का एक भाग है उसको कई लोग नहीं जानते हैं और जो उसके अंत है उसको कई लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उस पर चर्चा होगी और हम देखें कि कैसे भारत की जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें कई लेयर्स पे ये काम करती हैं और ये जो बाहर में पूजा है उत्सव है ये केवल उसको उसके बाहरी खोल को प्रिजर्व करने के लिए है और कुछ नहीं ताकि ये कहानी कहीं ना कहीं मनुष्य की मानसिकता में जुड़ी रहे लेकिन इसको डिकोड करना असल चीज़ है और उसके अनुसार जीवन को जीना वो आवश्यक है जैसे वेदों को कई लोगों ने प्रिजर्व किया अभी भी करते हैं वेद गान होता है पाठ होता है सुंदर है लेकिन वो एक अलग चीज़ है और उनको डिकोड करना जो श्री अरविंद करते हैं फिर उस पर चलना ये एक अलग चीज़ है तो तीनों का अपना स्थान है किंतु कई बार हम जब केवल बाहर में खो जाते हैं तो उसके अंदर के अर्थ को भूल जाते हैं तो दुर्गा जी के जन्म की कहानी तो प्राय सब जानते हैं कि महेश असुर एक असुर है और दुर्गा जी का जन्म होता है सभी देवों की शक्ति से क्योंकि महिषासुर ने एक वरदान मांगा है और वरदान ऐसा मांगा है कि एक वो इमोटैलिटी चाहता है सारे असुर जो हैं वो इमोटैलिटी लेकिन उनको इमोर्टैलिटी क्यों नहीं मिलती है क्योंकि वो सीधा शरीर की इमोटैलिटी की बात करते हैं अंदर में बिना शुचिता ये नहीं कि एस्पिरेशन गलत है एक समय अल्टीमेटली फिजिकल इमोटैलिटी आएगी लेकिन क्योंकि उनको देह आत्मबोध है उनके लिए अमृत का अर्थ है ये शरीर ये पर्सनलिटी ये सतत सतत अमर रहे तो हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए शेयरविंद के योग में भी इमोटेलिटी का अर्थ ये नहीं है कि मैं ये सीमित पर्सनालिटी मिस्टर सो एंड सो इस शरीर में ये इमोर्टल हो जाए ये तो मूर्खता होगी ये तो लास्ट इसीलिए इसको क्राउन कहा गया है ये अंत में इसके पहले सत्ता की इमोटेलिटी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस उसमें जीने की इमोटैलिटी क्योंकि जब हम उसमें जागृत होते हैं तो ऑटोमेटिक इमोटैलिटी होती है क्योंकि मोर्टेलिटी क्या है मोर्टेलिटी है जो कहा जाता है जो जन्मा है वो मरेगा तो जन्म उपनिषद के सेंस में है सीमा में आना क्योंकि कौन जन्म लेता है सब कुछ अनंत है लेकिन अनंत वही माया का जो रूप आता है कि माया चीज़ों को सीमा प्रदान करती है क्यों सीमा प्रदान करती है इसकी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और कभी और बात करेंगे तो अनेकों प्रकार के जन्म हैं देवों का भी जन्म होता है इसलिए वो भी माया के बंधन में होते हैं एक सीमा सीमा मतलब उनका जो फंक्शन है उनकी एक लिमिटेशन आ जाएगी रूप नाम और उनका जो फंक्शन है उसकी वो सीमा में बन जाते हैं और असुरों का भी जन्म होता है वो उनकी अपनी सीमा है महाअंधकार की और ये सारी सीमाएं अगर देखें तो एक सिंगल प्लान के अंतर्गत होती है एक बीज जो पूरी तरह अपनी सीमाओं में जकड़ा हुआ अंधकार के मट्टी के अंदर धंसा हुआ और एक वही वृक्ष वही बीज उड़ उगता 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 वृक्ष बनता है वृक्ष की भी सीमा होती है <laughs> लेकिन <laughs> उसी प्रकार से असुर राक्षसी तत्व से धीरे धीरे निकलता हुआ देवत्व की ओर मनुष्य पहुंचता है या जीवन पहुंचता है या सृष्टि पहुंचती है तो दुर्गा जी के जन्म के पहले महिषासुर का जन्म होता है तो महिषासुर का जन्म कैसे होता है इसका परिचय बहुत लोगों को नहीं है महिषासुर का जन्म रंभ और महिष भी असुर है और घोर तपस्या करके महिष असुर का उसका और महिष का महिष इस जैसा डिस्क्रिप्शन होता है कि वो एक आधा आधी मनुष्य आधी महिष है यानी बफेलो है एक एक प्रकार का संकेत है जैसे भारतवर्ष में ने हर चीज़ को एक संकेत के साथ जोड़ा है तो बफेलो की चीज़ का संकेत होती है अगर आप देखें बफेलो के बारे में भैंस के बारे में एक बड़ी कहावत है जो संकेत करती है और कहावत क्या है भैंस के आगे बीन बचाओ भैंस पड़ी पगराए मतलब भैंस एक इतना तमस का उसके अंदर उसको हटाना मुश्किल है भैंस की करेक्टिस्टिक यही है जहाँ बैठ गई बैठ गई गाय को आप हटा सकते हैं दुलार पुचकार के भैंस को बहुत कठिन है तो भैंस की जो करेक्टिसटिक है घोर तमस यानी एक ऐसी ऊर्जा जो ऊर्जा है उस तमस की ऊर्जा और रंब जो असुर के राजा हैं असुर उस समय इज द असुर किंग इन दोनों का के संयोग से जो जन्म लेती है लेता है महिषासुर उस कहानी में बहुत सारे डिटेल्स हैं मैं नहीं जा रहा हूँ व्यर्थ की चीज़ होगी वो द डाई और फिर वो एशेस से जन्म लेता है महिषासुर रक्त बीज दोनों एक साथ रंब की ही नेक्स्ट लाइफ के रूप में वो उसी मृत्युशैया से वो रक्त बीज के रूप में जन्म लेता है और साथ में महिषासुर जन्म लेता है और ये उसके अंदर क्यों वो चाहता था एक संतान जो असुरों की हमेशा कामना होती है अति महत्वाकांक्षा तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या है असुर तत्व का घोर तमस तमस वो जिसके अंदर प्रकाश की संभावना वो नहीं चाहता है प्रकाश आप उसको पकड़ के प्रकाश नहीं ला सकते किसी तरह का वो वो अपनी ही दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए अवस्था में वो पूरी तरह डटा हुआ है तो ये हुआ महिषासुर का जन्म ये अति महत्वाकांक्षा और अत्यधिक तमस इनके संयोग से महिषासुर का जन्म होता है इस कहानी को हम कई लेवल पर रिलेट कर सकते हैं अब महत्वाकांक्षा है इसको पूरा करना है इसको तो ये सारे असुर तपस्या करते हैं और कोई भी तपस्या कोई भी करे वो फलित होती है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे <laughs> कई बार लोग लगता है देवता लोग क्यों दे देते हैं इनको वरदान क्योंकि वो बंधे हैं ये सृष्टि का नियम है इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तप करो तुम वो देव दिव्यस्त्र प्राप्त करो जो गणित आदि के पास हैं क्योंकि उन्होंने भी तपस्या की है तो आप उनको उनकी तपस्या को डिनाई नहीं कर सकते ये सृष्टि का ये नियम है तप और यज्ञ ये दोनों सृष्टि के अकाट्य नियम हैं तो यज्ञ इज़ ए हायर ट्रूथ तो तप करता है तप करके उसको एज़ यूजुअल कुछ कहानियों में अग्नि क्योंकि रंब ने जो तपस्या की थी अग्नि और वरुण के साथ दो भाई थे बट नॉट उसका भी इतना अर्थ है कि एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट को दिव्यता के वो साधते हैं खैर पर ब्रह्मा जी को तपस्या करते ब्रह्मा जी दे, दे देते हैं कहते हैं तो, तो मैं नहीं देख सकता हूँ लेकिन ऑलवेज हर एक असुर के साथ अमृत तत्व की खोज में यही होता है कंडीशनल इमोटैलिटी फिजिकल बॉडी की और वो कंडीशन वो कहता है कौन कहता है अच्छा एक नारी मुझे मार दे अब नारी कहाँ मारेगी उसको ऐसा लगता है और उसके बाद वो अब इसमें अगर आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में तो वीमेन एम्पावरमेंट की भी स्टोरी है लेकिन उसको हम नवदुर्गा के कंसेप्ट में कंटेक्स में लेंगे इस कंटेक्सट में अभी नहीं ये बड़ी क्योंकि ये बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है और फिर वो उत्पात मचाता है अब वो अगर केवल अपने लोक में पाताल जो उसका जगह है वहाँ रहे तो कोई समस्या नहीं है जब उसका जन्म होता है तो उसके पिता रक्तबीज जो रीबॉर्न है वो उसको कहते हैं चलो पाताल के तुम राजा हो। कहता है, नहीं मैं आप तो सब जगह जाऊँगा <laughs> उन्हीं का <laughs> तो यहाँ से शुरू होती है सुर की समस्या कहानी आप पाताल लोग आपका है आप वहाँ रहिए द एवरीबडी हैज़ ए प्लेस इन क्रिएशन पर वो वहाँ से जब निकल करके वो धरती लोक और स्वर्ग लोक और यहाँ तक कि जितने भी बीच में अंतरिक्ष गंधर्व लोग इन सब पे वो आधिपत्य कर लेता है आधिपत्य करने का अर्थ क्या हुआ अब इन स्थानों की अपनी एक एटमॉस्फियर है अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो थाट्स फीलिंग्स ये सब हर लेवल पे होते हैं अब वहाँ भी प्रदूषण फैल गया जहाँ पे देवत्व जो है वो अब डार्क एंड हो गया तो डार्क एंड हो गया तो देवता वहाँ से भाग जाते हैं मतलब अब क्या होगा देवताओं का काम क्या है कि मनुष्यों के अंदर सुंदर विचार सुंदर भावनाएं जगाना अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो स्वयं ही उनका देवत्व वो खो चुके हैं तो भागते हैं तो जब भागते हैं वो तो जाते हैं शिव जी नारायण ब्रह्मा ब्रह्मा जी तो हाथ खड़े करते थे कहते मैं मैंने वरदान दिया मैं तो होगा नहीं तो शिव जी और वो जाते हैं और यहाँ तक कहानी जाती है कि त्रिशूल चक्र कुछ भी उसमें ऐसा नहीं करता है तो देवताओं गण ये सोचते हैं कि लेट्स थिंक अबाउट इट कि अब इसको कैसे मारा जाए तो उसमें ब्रह्मा जी के पास सीक्रेट है कि नारी अब कौन ऐसी नारी होगी जो इतनी शक्तिशाली होगी कि जिसका सामना शिव और विष्णु भगवान मिलकर नहीं कर पा रहे तो उस समय माता पार्वती से कहते हैं यही हैं जो यह रूप धारण कर सकती हैं तो उन्हीं का एक अंश पहले प्रकट होता है फिर सारी शक्तियाँ आती हैं और फिर नौ दिन तक युद्ध चलता है दस दसवें दिन विजय होती है वो लास्ट का जो पीरियड है जो नौवा दिन है वो एक ऐसा युद्ध है जिसमें सिंह भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और यहाँ तक कि वो माँ दुर्गा को भी एक तरह से लगभग क्षति पहुंचाता है ये संकेत है इसका कि मा माने बड़े सुंदर सा एक वाक्य लिखा है बिफोर डाइंग सूट राइजेज इन फुल स्विंग इस चीज को शेयरविंद रक्तबीज की कहानी के साथ इमोटलाइज किया उन्होंने अपने एक में वो कहते हैं थ्री स्ट्राइट्स ऑफ काली पहला जब वो फेस करती हैं डेमन को दूसरा जब डेमन उनके उनके केश को पकड़ करके ही स्ट्राइट सी टेक्स अराउंड दर्ड इज सी स्लेज सडनली जब वो इस भाव में कि अब तो मैं जीत गया देन सडनली सी स्लेज हिम तो ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी वो दिखती है फॉल्सुट कहीं भी व्यक्ति के अंदर योग साधना में अगर कोई चीज एकदम चरम सीमा पे ऐसी पहुंच गई है वृत्ति जहाँ आपको लगता है आपके हाथ खड़े हो गए आप बिल्कुल असहाय हो गए आप क्या करते हो माँ को पुकारते हो लेकिन फर्स्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट तो ये कहानी में ये नहीं है कि देवताओं को तो पता है तो वो सीधा आकर के मैनिफेस्ट कर दें यह भी अजीब सी बात लगती है ना उनको तो मालूम है नहीं एवरी विक्ट्री इज टू बी अर्नड अंत में डिवाइन मदर की ग्रेस ही कार्य करती है लेकिन एफर्ट करना पड़ता है ताकि हम तैयार हों जो आने वाला है तो देवता भी युद्ध लड़ते हैं सब लड़ते हैं उनको पता है एक लेवल पर कि इसको वरदान मिला है और ब्रह्मा जी का वरदान है सृष्टिकर्ता का वरदान है बट दे फाइट ये आवश्यक है ये ये एक ऑलमोस्ट इट्स ए लॉ ऑफ लाइफ कि आपको सब कुछ निश्चित है लेकिन उसके इसकी एक प्रोसेस है तो अंत में वो दसवें दिन जब उसको स्ले करने वाली है वो मारने वाली है इसको पता चल गया वो बड़ा भीषण युद्ध है जब वो हर्ट करता है माँ दुर्गा को और जब वो देखती कि जो सिंह है वो अनकॉन्शियस है वो सिंह का रूप धर के आ जाता है माँ के पास माँ उसको पुचकार रही हैं तो फिर वो महिष का रूप ले लेता है तो देन शी रियलाइजेस ये तो बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम आप सोचिए फॉल्सूड का अल्टीमेट क्या पराकाष्ठा होती जब वो देवता का रूप धारण करता है तो उसने सिंह का रूप धारण कर लिया कहानियाँ कितनी सूक्ष्म हैं और वो उसको पुचकार रही हैं इवन डिवाइन मदर का एक अंश है फॉर ए मोमेंट क्योंकि ममता उनकी जाग जाती है और वो जैसी पुचकारती हैं वो महिष प्रकट हो जाता है कोर्स में कहानी ये भी है कि वो मैरी करना वो ललकारती हैं तो एक छोटी सी इसका एक पार्ट ये भी है वो कहता है कि मैं तो शादी करूँगा आपसे तो माँ हंस के कहती हैं ठीक है पर पहले मुझे युद्ध में परास्त कर तो ही वांट्स टू एट वन लेवल द लीस्ट डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ लव लस्ट ये देखिए रावण के साथ भी यही है मैं विवाह करूँगा किससे जानकी से तो असुर चाहता है वो स्टेटस वो शक्ति लेकिन वो महत्वाकांक्षा के बल पर चाहता है इसीलिए उसका पतन होता है उपाय क्या है सरेंडर यही दो मार्ग है मनुष्य के पास एक वो छीन छिपट के अमृत तो हासिल करूंगा सुप्रामेंटल लोगों के अंदर ये आता था मैं सुपरमैन बन जाऊंगा मैं साधना कर रहा हूँ योग कर रहा हूँ देखो मेरे बाल गोल्डन कलर के हो रहे हैं मेरे शरीर से कांति हो रही है तो ये जो है ये अहंकार का तरीका शेरविन कहते हैं इट इज़ द आसुरिक इम्पल्स जो ये सोचती है कि आई विल बिकम सुपरमेंटल एंड सुपरमैन और बहुत बुरी तरह गिरता है व्यक्ति जब इस तरह की तो ये असुर की प्रवृत्ति रही है जो असुर हर चीज़ को अपने बल पर करना चाहता है वो उसको समर्पण नहीं स्वीकार है उसको अंत में अपना नाम कि मैंने तपस्या की मेरी तपस्या के कारण मुझे ये मिला लेकिन तपस्या की चरम उत्कर्ष में आपको स्वादक होना पड़ेगा आप एक लिमिटेड पात्र में कितना भी वो बढ़ जाए आप उसको नहीं भर सकते हो अनलिमिटेड से और माता जी से एक बार किसी ने पूछा असुरों को क्यों वरदान इतने दे दिए जाते हैं कहते हैं क्योंकि ये उनके कोलैप्स होने का सबसे फास्टेस्ट uh, रोड है क्यों क्योंकि वो बबेल भरता जाता है तो कोलैप्स करते हैं तो महिषासुर का भी कोलैप्सिंग टाइम आता है उसने क्या मांगा था मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ तो अब ये कहीं ना कहीं उसके अंदर है तो अब लेकिन असुर है और प्रवृत्ति छोड़ना नहीं चाह रहा है शेयरविंद कहते हैं मैन इज एन असुरा बाई बर्थ इट इज़ बाई योगा दैट ही इज कन्वर्टेड टू अ देवा टाइप जब वो मरने वाला है जब देखता है कि अब अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो एक टाइम आता है जब बड़े से बड़ा असुर चाहे वो रावण हो कुंभकर्ण हो कोई भी हो कंस हो लास्ट मोमेंट तो में वो शरणागत होता है तो महिषासुर एकदम शरणागत कि अब मुझे और मत मारिए मेरा उद्धार कर दीजिए मैं आपकी शरण में हूँ तो व्हाट फॉलोज इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो माँ दुर्गा है तो माँ इवन द राक्ष शासन असुरारण पिशाच हजार तो उनके अंदर फिर से करुणा आ जाती है और करुणावश वो महिषासुर को कहती हैं ठीक है मैं तुझे मृत्यु उद्धार करूंगी लेकिन आज से जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ तेरी भी पूजा होगी पूजा मतलब तू भी रहेगा अब देखिए होता है ना दुर्गा जी की मूर्ति के साथ माँ काली के साथ शिव जी रहते हैं वहाँ कोई रक्तबीज नहीं खड़ा है राम जी की उसके साथ रावण नहीं खड़ा है पर ये महिषासुर की यूनिक स्टोरी है तो ये स्टोरी जो अंत में ये समर्पण करता है और समर्पण को स्वीकार करती हैं कहानी देखिए कितनी अद्भुत है पूरे जीवन उसने केवल उत्पाद किया है और महत्वाकांक्षा से जिया है सबको आक्रांता के रूप में डराया है फिर भी करुणा की ये स्टोरी है अपार करुणा उसी माँ के अंदर कि वो उसको अपने साथ बिठा लेती हैं अब इससे अधिक तो विवाह हो नहीं सकता है ही इज विद हर डाउन बिलो सरेंडर्ड अपने आप को दे रहा है डिवाइन मदर को तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ कन्वर्शन ऑफ एन असुर जहाँ एक असुर जो अति महत्वाकांक्षी असुर वो अपने आप को समर्पित करता है लास्ट में और तब वो कन्वर्ट होता है तो ये स्टोरी का ये एक डीपर सिंबल है जिसमें हम माँ दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रोल रोल देखते हैं और उसके बाद कोर्स दुर्गा माता एक शक्ति के रूप में विद्यमान होती है चूँकि हम श्री अरविंद के कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं तो इसमें एक और कहानी जुड़ जाती है हम लोग ये समझते हैं कि देवता अब फिक्स्ड हैं देवता भी एक कल्प एक मनवंतर के लिए फिक्स्ड होते हैं उसके बाद ये विड्रॉ होते हैं डिवाइन के अंदर और उनका एक नया नए रूप में प्रकट होते हैं कई देवताओं के बारे में हम देख चुके हैं रोमन गॉड्स कितने क्रूअल थे नॉर्डिक गॉड्स उनके अंदर क्राइस्ट ने आके वो हटा के एक नई चीज़ लाए भारतवर्ष की अगर आप पौराणिक गॉड्स को देखेंगे तो वो एक अलग रूप है उनका कई तो लगता है कि बड़े ईगोइस्टिक हैं और एम्बिश हैं गॉड्स के अंदर भी तो ये एक चेंज आता है इवोल्यूशन के थ्रू देवताओं का भी आ, भी बदलते हैं क्योंकि देवत्व क्या है देवत्व है भगवान का को कोई पक्ष जो आता है सृष्टि में सामने आता है वही पक्ष है जो ये समझ के कि मैं ही हूँ करता धरता वो गिर करके असुर तत्व बनता है यही माता जी ने इन्वॉल्यूशन की बात कही है तो ये जो इन्वोल्यूशन है ये इसी कारण हुआ ये जो पतन है इसी कारण हुआ क्योंकि वही देवता जो ग्रेट गॉड्स है सत, चित, तपस और आनंद यही इंडिविजुअली कि मैं तो अपने आप में अनूठा हूँ एप्स हूं हूँ और वहीं से उनका मार्ग खुलता है नीचे जाने का और उसी में हम शेड्स देखते हैं ऐसे शेड जहाँ देवता भी कभी कभी आपस में क्वारल करते हैं ये सारी शेड्स इंडियन थॉट में हैं और उनको तब तक हम नहीं समझ सकते पूरी तरह जब तक हम लोग माशी अरविंद के योग की समग्रता की दृष्टि में ना देखें क्योंकि नहीं तो बहुत अजीब लगता है कई बार देखते हैं देवता क्वारल कर रहे हैं तो ये वही देवता ऊपर में एक हैं लेकिन नीचे आते हैं तो उनके बीच में क्वारल्स भी होती क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक इंडिपेंडेंट क्योंकि वो अपने आप में एप्सलूट हैं तो उनमें से एक कहानी क्योंकि माँ क्या करती हैं अब ये नई सृष्टि हो रही है तो माँ सभी देवताओं को एक एक अवसर देती हैं सबको कहती हैं कि नई सृष्टि में आप पार्टिसिपेट करो तो फिर वो कहानी 1926 की है जब लोग कुछ पार्टिसिपेट करते हैं कुछ नहीं करते हैं कुछ, करते सभी हैं परंतु वो कहते हैं अपना अपना फंक्शन केवल श्री कृष्ण स्वयं को बंध जाते हैं श्री अरविंद के साथ तो, तो सबसे बड़ी बात है शिव कहते हैं कि मैं ईगो को नष्ट करूंगा मेरा अपना उनका रोल है गणेश जी धन लाऊंगा तो सबका अपना अपना एक रोल होता है वो पार्टिसिपेट अब ये नई लीला प्रारंभ हो रही है इनमें उनका फंक्शन चेंज होगा तो दुर्गा जी का फंक्शन क्या है कि वो तो डिस्ट्रॉय कर देती है डेमन को लेकिन ये नई लीला क्या है ये रूपांतरण की कहानी वो हर बार डिस्ट्रॉयड होते हैं लेकिन वो हर बार क्योंकि वो रूट इनकॉन्शंट में तो वही है आप वो नाम बदल के आएंगे रूप बदल के आएंगे रक्त बीज की तरह तो वो बार बार आते हैं तो इस बार जो गेम प्लान है अगर हम कहें जो माँ अरविंद का जो गेम प्लान है वो परमानेंट रेमेडी का है टेम्प्ररी रेमेडी जिसमें वो भाग जाते हैं बीमारी दब जाती है वो काफ़ी नहीं है तो परमानेंट रेमेडी क्या है क्योंकि ये भी उपजे कहाँ से ये उपजे वहीं से अगर आप भी कहानी के पाशर में जाओगे तो वहाँ इंद्र जी भी मिलेंगे अग्नि भी मिलेगी वरुण भी मिलेंगे कहानी बहुत लंबी हो जाएगी इफ यू गो टू द रूट्स इनकी ओरिजिन वही है वहीं से ही गिरते हैं और वो रिक्लेम करना चाहते हैं लेकिन कैसे महत्वाकांक्षा के आधार पर अहंकार के आधार पर ये उनकी समस्या है तो ये जब तक रूट्स में आप उसको नहीं समाप्त करते हैं तब तक ये समस्या आती रहेगी इसीलिए दुर्गा जी को भी हर बार आना पड़ता है हर एक साल आना पड़ता है और माँ बताती है कि हर साल वो आती हैं सी कन्फर्म सेट कि जब भी दर्शन दिवस होते थे लेकिन 56 के बाद माँ ने एक खेल बदल दिया और या खेल बदल गया और 62 टू डिवाइन लव के अवतरण के बाद पूरी तरह से ये खेल ने एक नया रूप ले लिया अब ये सर्टेनिटी है इनके रूपांतरण की ये भाग नहीं सकते कहीं पर भी तो माँ हम लोग जानते हैं कि उसके बाद जो 61 दिसंबर 61 वन दशहरा इज़ द लास्ट फिज़िकल दर्शन जो माता जी ने दिया उसके बाद 62 से वो अपने ऊपर रूम में चली गई फिर दुर्गा पूजा पे दर्शन के लिए नहीं आती थी लेकिन उस बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है और वो बताती है दुर्गा जी के सरेंडर की कहानी तो वो दुर्गा देवी को कहती हैं कि तुम्हें ये अच्छा लगता है ये सब जो लोग पूजा करते हैं तो कहती नहीं लेकिन मैं भी अपने जो भक्त हैं उनसे बंधी हूं तो कहती तुमने कभी सरेंडर किया है सुप्रीम को तो ये अब ये देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है देवता देवताओं को बहुत सारे अद्भुत चीजें प्राप्त हैं लेकिन एक चीज की कमी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम दे आर पावर्स ऑफ द सुप्रीम पर दे इज़ ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसमें एक छोटा सा एक साइड किसी ने पूछा प्रश्न किया था कुछ दिन पहले कि आप मनुष्य को कोई क्यों पूछता है पूछा होगा कि भाई श्री अरविंद माता जी मानव हैं तो वैसे तो मैंने कहा भाई इस्लाम में नहीं पूछते हैं <laughs> तो आप क्योंकि इस्लाम ये मानता है कि भगवान हुआ है और ये धरती में भगवान नहीं है लेकिन हम तो मानते हैं कि कण कण में भगवान है लेकिन मनुष्य के अंदर जो भगवान से ज्वाइन करने की संभावना है और जब वो भगवान से ज्वाइन करता है तो देवता वो अपने उस देवत्व को प्राप्त करता है और उसके भी ऊपर मतलब वो सुपरमेंटल वर्ल्ड में जो देवताओं का ओरिजिन है सीधा उससे कनेक्ट हो जाता है इसीलिए हमारे यहाँ उनको हम गुरु मास्टर जो भी हम कहें दे आर रियलाइज बींग्स और उनका हम पूजे पूजन करते हैं क्योंकि उनके मार माध्यम से भगवान की पूजा कितनी सरल हो जाती है क्योंकि हमारा देह भी पार्टिसिपेट करता है देह भी सरेंडर करता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय सी गुरु ए नम तो ये बात मैंने फिर समझाई ये कई बार लोग पूछते हैं कि भाई ह्यूमन को क्यों ह्यूमन नहीं हर एक ह्यूमन को हम वर्शिप नहीं करते हैं हालांकि कर सकते हैं हर एक के अंदर नर में नारायण है पर वो एक अलग जनरल कैटेगरी की बात है परंतु जो नर ने अपने अंदर नारायण के साथ जुड़ गया फिर वो मात्र नर नहीं रहा वो नारायण का स्वरूप हो गया और उसका पूजन आपको नारायण से जोड़ देता है ये मनुष्य की विशेषता है तो मनुष्य को सरेंडर का जॉय मिलता है चैत्य सत्ता है तो सीधा सुप्रीम के साथ ज्वाइन हो सकता है देवताओं को यह दुर्लभ है अवतार भी भगवान मानव लीला यही करते हैं देवता भी देखते हैं आपने पढ़ा ऊपर से देख रहे हैं क्या हो रहा है धरती पर पुष्प वर्षा रहे हैं कुछ तो हो रहा है बट लुक एट द जॉय ऑफ द वानरा वानर का जो जॉय है गोप गोपियों को देख करके इवन ब्रह्मा चकित हो जाती है ये हो क्या रहा है धरती के ऊपर इनको तो इतना मजा आ रहा है कृष्ण के साथ ये तो गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ मैं तो हमेशा जब भी जाता हूं आदर क्योंकि आनंद में है ये क्या कर रहे हैं ये लीला का जो सुख है परम सुख है अगर हम इसको एक दृष्टि से देखें जो सुख केवट सबरी और इन सबको मिला गोप गोपियों को ये दुर्लभ है देवताओं को ये नहीं प्राप्त है सुप्रीम का उनके अंदर फ्रेमवर्क नहीं है क्योंकि वही सुप्रीम है लेकिन वो एक अंश है सुप्रीम का उनको एब्सोल्यूट पावर इन्वेस्ट की गई है जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है लेकिन आप पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करने से वापस भी आ सकती है और अगर आप इसको अपग्रेड करना है तो आपको वापस सुप्रीम के पास जाना है तो माँ कहती हैं दुर्गा सरेंडर सरसेप्ट सुप्रीम और जब वो सरेंडर करती हैं तो अति आनंद अनुभव करती हैं अब उसमें लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ इस ये इसके परिणाम क्या हैं तो यहाँ पर पैसेज मैंने निकाला हुआ है तो यहाँ पर माता जी समझा रही हैं लोग डायरेक्ट ये माँ के कन्वर्सेशन्स हैं ये पर्टिकुलर कन्वर्सेशन अक्टूबर 19 उन्नीस का है 1966 पहले माँ थोड़ी कुछ पूजा के विषय में बताती हैं दुर्गा जी के सरेंडर के बारे में बताती हैं डिसाइपल पूछता है यू वंस टोल्ड मी दैट दुर्गा हेड सरेंडर्ड माँ कहती हैं सी सरेंडर्ड दैट इज टू सेफेक्टली इंडिपेंडेंट इन हर मूवमेंट्स एंड डेंट फील द नीड टू डिपेंड ऑन एनी वन एंड दैट ईयर एक आध साल पहले की बात है पैंसठ या चौसठ माँ कहती हैं सी यूज टू कम एवरी ईयर वेन आई वेंट डाउन स्टेयर्स फॉर द पूजा दर्शन I would go downstairs and she would come and stay there throughout all the pujas. पूरे समय रहती थीं दुर्गा जी। downstairs मतलब आश्रम में जो अभी जहाँ पर माँ की वो शय्या है अंतिम दर्शन की। I would go downstairs and she would come and stay there throughout all the pujas. Since I came upstairs, we haven't been doing it anymore. But once she came and I told you what followed.

उसका परिणाम क्या हुआ हम तीनों से अनभिज्ञ हैं तो डिसाइपल पूछता है कि डिफरेंस किस दिस इज अ डिफरेंस अब माँ बताती हैं ऑल दोज हु डू द पूजा सिंसियरली सिंसियरली ऑफ़ कोर्स नॉट मैकेनिकली बट विद डिवोशन ऑलवेज अट्रैक्ट एन इमिनेशन और ए रिप्रेजेंटेशन ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म तो ये मैकेनिकल पूजा की बात नहीं है भाव से होती बिना भाव के पूजा नहीं होती है और भगवान या देवता गण जानते हैं कि आप महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं दुर्गा देवी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो उनमें सब समाहित जो मूर्ति बनती है जगह जगह मिट्टी आती है इंक्लूडिंग ऑफ ए ब्रॉथिल तो अगर देखा जाए तो उसमें कितनी सुंदर एक संकेत छिपा है कि हर चीज़ के अंदर संभावना है उनसे जुड़ जाने की इट रिस्पॉन्ड्स टू द पूजा एवरी फैमिली दैट वर्शिप्स काली फॉर इंस्टेंस हैज़ इट्स ओन काली एंड इट्स ट्रू देयर लिटल एंटिटीज़ दैट आर आंट क्वाइट इंडिपेंडेंट बट हैव देर ओन लाइफ तो अब दुर्गा जी इंडिपेंडेंट हैं काली महाकाली स्वरूप में इंडिपेंडेंट लेकिन उनके एक करोड़ों करोड़ों इमिनेशंस हैं वो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकती हैं जहाँ उनकी पूजा होती है एक भाग जैसे माँ कहती हैं कि जो भी मेरा डिसाइपल है जिसने जिसको मैंने हाँ कह दिया है उसके अंदर मैं अपना एक भाग डाल देती हूँ ये उसी तरह की चीज़ है और वो मुझे वार्न कर देता है कॉशन कर देता है जहां पर भी है वो तो कोई घटना होने वाली है दुर्घटना वो कॉशन उनके पास आ जाता है और फिर वो जो करना है करती है एंड इन दुर्गाज केस इट वाज वेरी क्लियर सो व्हेन आई इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इट्स बिकॉज नाउ इन अ जनरल वे ऑल दोजेंटेशन ऑफ दुर्गा इन ए मूवमेंट ऑफ कोलेबरेशन अब वो जो कर्म करेंगी या जो भी उनके एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इस नई सृष्टि के से जुड़ गया है तो अब देखिए एक तरह से वो ये सारे लोग जो माँ दुर्गा के सही रूप में भक्त हैं जो नहीं जानते कि दुर्गा जी ने सरेंडर किया या इत्यादि कहीं ना कहीं वो इस नई सृष्टि के साथ जुड़ गए क्योंकि उन्होंने ये सरेंडर किया है तो अब वो जहाँ भी सही मायने में सही भाव से दुर्गा पूजा हो रही है तो वो जुड़ रही है डिवाइन मदर के वर्क के साथ कोलेबरेट कर रही है अब ना बताती हर रिलेशनशिप विद द होस्टाइल बीइंग्स इन हर लीजेंडरी इर्ली बैटल विच इज ऑफकोर्स सिंबॉलिक जैसे हम लोगों ने बात की मनुष्य के अंदर ये वृत्तियाँ महिषासुर की जो अति महत्वाकांक्षा और तमस का घोर विस्तार गाढ़ा प्रगाढ़ अंधकार रात यही सबका प्रतीक है uh, जो ईयरली बैटल उसके साथ होती है शी इज लाइक दिस ईगर टू नो द डायरेक्शन द इंडिकेशन द जेस्टर टू बी मेड तो अब वो क्या करती हैं इस इस बैटल में पहले तो वो जाके बस खड़ी हो गई एक्सटर्नल बैटल है एक्सटर्नल मतलब सूक्ष्मतर पे और वो भागते उनके हूंकार से या वो मर जाते हैं लेकिन अब मां बताती हैं आगे की बात वेन शुरबिंदु वॉज हियर एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ दुर्गाज बैटल आई यूज टू रिसीव फ्रॉम हिम द वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एडवर्स फोर्सेज दैट हैड टू बी बैंकविस्ट एंड सब इट वेंट ऑन लाइक दैट फॉर थर्टी ईयर्स सो अब वो क्या एस्पेक्ट था मान लीजिए आश्रम के अंदर ग्रीड की समस्या है सब लोगों को डाइनिंग रूम के खाने से प्रॉब्लम हो रही है सबको रसगुल्ला चाहिए ये चाहिए वो चाहिए फूड की ग्रीड अनेकों प्रकार की ग्रीड होती है लालच के भी कई रूप धन की तो उन पर दुर्गा जी काम कर रही हैं वो जो एडवर्स फोर्सेस ये इंसाइट कर रही हैं उन पर वो काम कर रही हैं शी वुड कम शी वॉज एब्सोल्यूटली प्रेजेंट ड्यूरिंग द सिक्स डेज ऑफ प्रणाम डाउन स्टेयर्स बट नाउ सिंस अब वो बता रही हैं कि सिंस द सरेंडर I remember it happened while I was walking for my job. I told her that there was something more important than that semi-religious recollection people have. Recollection कि ऐसा हुआ था, semi-religious जिसपे बहुत कुछ जुड़ जाता है ceremony, ritual, uh, dholl, baza, nagada मतलब जो अगर religious भी देखें तो उसके अंदर एक पुण्यभाव, sacredness होनी चाहिए परंतु बहुत सारी चीजें mix हो जाती हैं। ये स्टॉल वो स्टॉल स्टॉल्स में कंपटीशन अलग अलग प्रकार के सो एंड इट्स इन दिस कनेक्शन ओके सेमी रिजियस रिकल रिकलेक्शन दैट व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट वाज द डीपर नेचर ऑफ द वर्क एंड द चॉइस ऑफ द एडवर्स एस्पेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिवर्सल डिफिकल्टी और एट एनी रेट इफ यू ओनली कंसिडर द अर्थ अ ह्यूमन डिफिकल्टी अब वो क्या करें उनका एक्शन और डीपर इनर हो गया है अगर हम हम लोग तो खैर डिवाइन मदर को इन्वोक करते हैं तो दुर्गा जी क्या करती हैं केवल महिषासुर को मार डाला विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ई ये पुराना खेल है अब हमारे अंदर जो वृत्तियाँ जो बहुत मुश्किल नहीं नाश हो रही हैं जा नहीं रही हैं उन वृत्तियों का अचानक वो देखिए साइकोलॉजिकल ट्रूथ उसका सामने आ गया इसीलिए शेरविन जब चतुश्य रूप धारणी जब डिस्क्राइब करते हैं तो उनकी पूजा अर्चना सब में वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है महालक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है सौंदर्य बोध से हारमोनी ला के अंदर बाहर ऐसे महालक्ष्मी की पूजा करनी है विधि बदलती उन्हें माँकाली की पूजा कैसे करनी है उनको क्या प्रिय है द इम्पल्स दैट आ स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक करेज ये सारी महालक्ष माँ काली को प्रिय है महेश्वरी को क्या प्रिय है विशालता करुणा तो पूरा उन्होंने उसका जो नेचर और वर्क है वो बिल्कुल आंतरिक हो गया तो ये दुर्गा जी भी का भी अब ये एक्शन होने लगा है ये देखा है अगर आप नोटिस करोगे मैंने तो नोटिस किया है बहुत समय से पढ़ा है कि ठीक दुर्गा पूजा के पहले अपने आप फॉर मी इट इज़ ओनली मदर पर वो कोई वृत्ति है जो एक पीक पर पहुंच के वो जाती है अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो एक एक्शन होता है इसका लेकिन इसको आमतौर पर हम दुर्गा पूजा से नहीं जोड़ते हैं और कई लोग अनुभव भी नहीं करते हैं या तो नोटिस नहीं करते हैं या उनके लिए केवल एक ये एक रिलीजियस उत्सव जैसा है आई फेल्ट शी वॉज इमेंसली इंटरेस्टेड देन आई टोल्ड हर वेल यू सी हैज एन द टाइम कम हैज एन द टाइम कम टू रिसीव फ्रॉम हिम द डायरेक्ट इंपल्सन फॉर योर एक्शंस रिस्पॉन्डेड जॉयफुली एंड स्पॉन्टेनियसली क्योंकि उस समय एक विशेष प्रयोजन से दुर्गा जी एग्जिस्टेंस में आती हैं पर बहुत कुछ काल गति में आगे बढ़ता जाता है तो वह असुर भी नए रूप धारण लेके आते हैं असुर भी मनुष्य की चेतना के अंदर कार्य करने लगते हैं तो डिफरेंस क्या है माँ कहती है द डिफरेंस इज दैट नाउ वेर एवर सी मैनिफेस्ट आई फील द कॉल टू द सुप्रीम ट्रूथ टू मैनिफेस्ट इट हिस्ट्रोली देर फिर वो माँ से पूछता है कि इस साल कौन सी डिफ़िकल्टी थी जो दुर्गा जी ने कौन कर की माँ हाथ रख के अपने लिप्स पे कहती हैं चुप रहना अच्छा है <laughs> तो देखिए पूरा ये खेल ये देवताओं के साथ भी जो होता है हम लोग तो बस एक पास्ट में जैसे चला जा रहा है एक स्टोरी उसका अपना रोल है एक परंपरा चीजों को प्रिजर्व करती है लेकिन उसको एक नया रूप क्योंकि सृष्टि नित नवीन रूप धारण करती है देवताओं का भी फंक्शन एक नया रूप धारण करता है और हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए जय माँ